ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए इंसानों में, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब इंसान बराबर है, चाहे यूरोपियन वाइट हो या अफ्रीकन ब्लैक हो या इंडियन स्किन वाला हो, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी कबीले का हो, कोई भी ट्राइब का हो। ये ऊंच नीच का प्रॉब्लम है, लेकिन कुरान में और इस्लाम में ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व किया गया है। सूरह हुजरात में सूरह 49 आयत नंबर 13 में अल्लाह ने कहा कि या अय्युहन नास, ए इंसान, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है। सब के सब साइंटिफिकली भी ये साबित है, डीएनए स्टडीज़ भी प्रूव करती है कि सारे इंसान वो एक ही फैमिली से आए हैं। वजअलनाकुम शुबा व कबाइला, मैंने तुम्हें नेशंस बनाए और कबीले बनाए, लितआरफु, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो कि अच्छा ये चाइनीज़ हैं, ये ऐसी लुक है, ये फलां जगह के हैं, तो लितआरफु, ताकि एक दूसरे को पहचानो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा ऑनरेबल इज्जत वाला तो वो है, अतकाकुम, जो तुम में अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता है, परहेजगार है, सही रास्ते पे चलने वाला है, अल्लाह के पास उसकी इज्जत ज़्यादा है, चमड़ी की, कबीले की, लिनेज की, फादर्स की नहीं, उसके एक्शंस की, उसके बिलीफ और उसके एक्शंस की कदर है अल्लाह के पास। अब इमेजिन करिए कि नमाज के अंदर जब लोग खड़े होते हैं तो शोल्डर टू शोल्डर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में आता है कि वो खड़े होते थे, युल हकु मन की बहु भी मन की भी स्वाहिबी ही, अपने कंधे को साथी के कंधे से मिला देते थे, सारी ऊंच नीच वहीं ख़त्म हो गई। हज के अंदर जब एहराम लोग पहनते हैं, एहराम के अंदर चाहे अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, बादशाह हो, भिखारी हो, सब के सब को वही एहराम, दो पीसेस ऑफ अनफिटेड क्लॉथ्स पहन करके उन्हें आना, तो हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम को गलत तो बताया ही, जो आज जाके लोगों को रियलाइज़ हुआ एनलाइटनमेंट कि इंसान इंसान में फ़र्क नहीं है, हम देखते हैं कि जो कोलोनाइजेशन चल रहा था तभी तो ये नहीं माना जाता था, ये तो अभी जाके कुछ समझ में आया है इंसानों को, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले से मेंशन है, और सिर्फ मेंशन नहीं है, उसे सॉल्व कैसे करें वो भी दिया हुआ है।